नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हमारी चर्चा होने वाली है। हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान लगन, बुद्धिमान राशि, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए गोल्डन रेमेडीज, लाइफ चेंज कर देने वाले उपाय। कन्या लगन और कन्या राशि में अगर आपने जन्म लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक ही विनम्र अनुरोध है कि कृपया अगर आप में से कोई मैगी फौज वाला है तो भैया आपको नमस्कार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप चाहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टू द पॉइंट चीज़ों को 12 पार्टों को कनेक्ट करेंगे 27 नक्षत्रों के आधार पर। मज़ेदार वीडियो होगा, तो चैनल को पहला काम करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप बुद्धिमान लोग हैं। कन्या राशि में आपने कन्या लगन में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं। 100 में से 90% लोगों को आप पकड़ेंगे तो उनके पास प्रत्येक समस्या का समाधान है। वो एक्टिव कर पाते हैं नहीं कर पाते यह बात अलग है। आप कन्या लगन में जन्म लिया है तो अद्भुत क्षमता है कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए चीज़ों को मैनेज कर ले जाने के लिए। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों किंतु आप उनसे पार पा ही लेंगे। दूसरा, आप बुद्धि के बल से काम करने के लिए पैदा हुए हो, इसलिए शरीर के बल के प्रयोग में ज़्यादा फोकस मत करिएगा। आपका देखो, बुध मतलब बुद्धिमान, बुध को राजकुमार कहा गया है। बुध मतलब बुद्धि, और जो बुद्धि है ना वो शारीरिक बल से सदैव श्रेष्ठ फल देती है, इसलिए सदैव आपको बुद्धि बल का प्रयोग करना है। नेचर आपका अच्छा है, सबको एडजस्ट करके चलने का नेचर है, इतना सौम्य है किसी पाप प्रभाव का प्रभाव आ जाए, पाप ग्रह का प्रभाव आ जाए बात अलग है। नहीं, हमने देखा है कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए कि घर में झगड़ा ना हो, इसके लिए ये अपने यहाँ हक छोड़ देते हैं। चलो ले लो यार, खुश रहो, तुम ही खुश रहो। आप बुद्धिमान पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आपके अपने लोग माने तब ना, यह भी एक पॉइंट है। पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमान है लेकिन लोग मानते नहीं। अच्छा ये है कि आप उम्र से ज़्यादा नहीं दिखते, उम्र से कम दिखते हैं, और हर महफिल में आप एडजस्ट हो जाते हैं। बड़ों के साथ बड़े हैं, युवा के साथ युवा हैं, और वृद्ध के साथ बिल्कुल पुराणों की बात हो रही है, वेद की ऋचाएँ बोली जाएंगी, तो आप हर जगह एडजस्ट कर ले जाते हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर ले जाते हैं। क्योंकि सौम्य हैं, सरल हैं, उम्र से छोटे दिखते हैं, विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण है, प्रेम रहता ही रहता है, थोड़ा रोमांस रहता ही रहता है, कभी भी बहक सकते हैं, ये भी नेचर में है आपके। अब ग्रहों की उपस्थिति, ग्रहों की परिस्थिति स्थिति स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाएगी, लेकिन परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है, नेचर और सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं, लगभग वैसे ही रहता है। आपकी यदि बुधदेव मजबूत हैं तो जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान, शुक्र मजबूत हैं तो जीवन में अर्थव्यवस्था की पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे भी आप कन्या में पैदा हुए हैं तो पैसे तो आपके पास रहेंगे रहेंगे, आप दिमागदार आदमी हैं, पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, कम ज़्यादा या गुरु और शुक्र की स्थिति के ऊपर बनेगा। तो हमारी बात आपके सेहत से लेके धन संपदा, मान सम्मान, संतान, जीवन साथी, आयु, भाग्य, कर्मा, लाभ और अंत में व्यय तक की बात होगी। चर्चा आरंभ करें। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले काया राखे धर्म है। अगर स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है, मान लीजिए स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ग्रीन कलर के कपड़े पहनिएगा। हरा कलर का कपड़ा आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। जितना हरा वातावरण रखेंगे ना उतना जीवन में खुश रहेंगे। रेड कलर की चीज़ें आपको नुकसान करेंगे। ब्लू कलर की चीज़ें पहन सकते हैं, ब्लैक कमर के ऊपर ना पहने, कमर के नीचे पहन के रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। तो हरा कलर का कपड़ा, सफ़ेद कलर का, पीला कलर का कपड़ा आपको 100% सूट करता है। कलर थेरेपी यहीं से ले लीजिए। कभी भी जीवन में अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी आ जाए तो आदिशक्ति जगदम्बा का एक मंत्र है, रोगान शेषान अपांस तुष्टा उष्टा तो कामान शकलान अभिष्टान, इसका जाप करिएगा 32,000 बार जाप करिएगा। सफ़ेद
काली मिर्च और गुरिच सेवन कर दीजिएगा, स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मान सम्मान मिलेगा। और एक खास बात बता दूं कि आपको, चूंकि आप जीवन में एक बार मौका मिले ना, तो एक पेड़ महुआ का जरूर लगाइएगा, ठीक है। नाग केसर का भी पेड़ लगाना आपके लिए सही है, लेकिन महुआ का पेड़ लगाने से आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा, तो करके देखिएगा। प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। धन संपदा शुक्र की स्थिति के ऊपर रहेगा, आपकी वे आप टॉकिंग अच्छी है, बात करने की तहजीब तमीज़ दोनों है। जब तक सेकंड हाउस में राहु इस शनि कोई पाप ग्रह ना बैठे, बातें आप द्विअर्थी बोलते हैं, बातें थोड़ी सी रोमांटिक है, थोड़े मज़ेदार आदमी हैं, बच्चों के साथ बच्चों जैसी बातें करते हैं, थोड़ा सा जिंदा दिल हैं, तो बातें आप बहुत खूबसूरत करते हैं। पैसे सदैव खर्च करने के पहले सोच लेते हैं, खर्च कर दूंगा तो आएगा कहाँ से, तो पैसे का जो समायोजन है बहुत अच्छा है, वे आप टॉकिंग अच्छा है, पैसे आप कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं, लोगों को भले ना बताएं लेकिन थोड़ा बचा कर रखने का, पैसे के लिए चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियाँ आपके साथ चलती रहती हैं, अच्छा है। शुक्रदेव अगर अच्छे हुए तो आपके जीवन में अर्थव्यवस्था कभी भी कमज़ोर नहीं होगी, शुक्र महाराज को अच्छा रखिएगा। देखिए शुक्र जो है आपकी कुंडली में, जहाँ भाग्य के स्वामी हैं वहीं धन कुटुंब के स्वामी हैं, और पैसा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पैसे के लिए देखिए, जो राम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं थे, समय नहीं मिलता था, वो मुकेश अंबानी के यहाँ पैसे की वजह से, पैसा ही है, पहुँच जाते हैं, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चारों के चारे पहुँच गए, राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं हुई। पैसा बोलता है दोस्त, तो पैसे कमाना ज़रूरी है। सटका नास्ती सह टकटकायते, जिसके पास पैसा नहीं है ना। बुध देखो अच्छा है तो आपको बुध बना देगा, बुध खराब है तो बुद्धू बन जाओगे, इसलिए बुध और शुक्र दोनों को अच्छा रखना है। धन प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय करें? पहला काम, लोग बोलते हैं टफ, बोलने दीजिएगा। बुध को बोलते हैं बनिया, बनिया जानते हैं क्या है? बनिया मतलब बनिए, बनना शुरू करिए, और बनना आना चाहिए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन मुँह फट हैं, बेकार आदमी हैं, आपके दिल में जो है ना कचड़ा बहे, कचड़ा गंदा नाला चलेगा, कौन देखता है, सबके दिल में रक्त ही बहता है। लोग बोलते हैं हमारा दिल बहुत साफ़ है, दिल फाड़ के दिखाओ कैसे साफ है, रक्त है वहाँ पे, साफ कहाँ से है। आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, वाणी वीणा जैसी होनी चाहिए, कोयल कूकेगी तो आप कूक मिलाओगे, कौवा बोलेगा तो पत्थर मारोगे, ठीक है, इसलिए वाणी को वीणा बनाइए, बढ़िया मधुर बोलिए, चीज़ें बेहतर होंगी। शुक्र का उपाय करते रहिए, शुक्र को कभी खराब मत करिएगा, आपको धन संपदा के जीवन में कभी कमी नहीं होगी, पैसे आपके पास पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे, पैसे आपके पास रहेंगे, कुटुंब भी आपका अच्छा रहेगा। खराब तभी होगा जब यहाँ पे शनि मंगल राहु इत्यादि ग्रह बैठेंगे, नहीं तो बढ़िया रहेगा। पराक्रम, मेहनती आदमी हैं, अच्छा इसको बेहतर करने के लिए क्या करें? पैसा आपके पास रुका रहे, पैसा आपके पास से ना जाए, तो एक अर्जुन का वृक्ष लगा दीजिएगा। अर्जुन का वृक्ष जैसे पुष्पित पल्लवित होता जाएगा, अर्जुन का वृक्ष जैसे पुष्पित पल्लवित होता जाएगा आपके जीवन में, वैसे धन संपदा पुष्पित पल्लवित होती जाएगी, करके देखिएगा। पॉइंट क्या है? करके देखना, करके देखिए अच्छा होगा। गाय को सदैव रोटी खिलाते रहना, जीवन साथी से अच्छे से बात करना धन संपदा को बढ़ाने वाला होगा। पराक्रमी हैं आप, मेहनती हैं, लेकिन शार्ट कट मारना सीखते हैं, हार्ड वर्क बहुत कम लोग करते हैं। कन्या लग्न के लोग हार्ड वर्क करेंगे तो टेबल पर बैठ के हर चीज़ को करीने से करते हैं, प्लान बना लेते हैं, प्लानर हैं अच्छे, लेकिन शारीरिक श्रम आपके बस की बात नहीं है, एकाग्रता भी थोड़ी कम है, चंचल है भाई। कन्या बुध, बुध कहाँ एक जगह बैठता है, तो बंधु बांधवों से रिश्ता आप अच्छा रखते हैं जब तक वो रिश्ता ख़राब ना करें। अगर वो रिश्ता नहीं खराब करेंगे तो आप लड़ने झगड़ने की अपेक्षा उनसे साइलेंट जोन में अलग हो जाना पसंद करते हो। सुख की स्थिति बेहतर रहेगी, आपकी माँ थोड़ी सी घर में माँ की चलेगी, घर में मम्मा जो है ना थोड़ी सी हिटलर रहेंगी, क्योंकि माँ नहीं रहेंगी तो घर को संभालने की कंडीशन माँ के हाथ में, तो पिता के अपेक्षा माँ का जो व्यक्तित्व होता है थोड़ा सा दृढ़ होता है, और माँ आपकी सुंदर होती हैं, खूबसूरत भी होती हैं, परिवार को समेटने वाली संजोने वाली होती हैं। तो आपकी कुंडली में गुरु यदि खराब नहीं हुए तो आपको भूमि भुवन वाहन पैतृक संपदा, गर्मी बहुत है इसलिए पसीना, आपको वीडियो बना रहा हूँ पसीना टपक रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
गुरु अच्छे हैं तो भूमि भवन वाहन पैतृक संपदा आपको 100% मिलती है। गुरु अगर खराब हुए तब आपको भूमि भवन वाहन संबंधित परेशानी होगी, नहीं पैदा हुए तो पिताजी घर बना के रख देंगे। वाहन का सुख शुक्र और गुरु के ऊपर है, लेकिन वाहन आप अपना घर बनाने की कंडीशन में जब गुरु आपके नीच में ना हो, पाप प्रभाव में हो, जीवन में घर एक नहीं कम से कम दो बना लोगे, ऐसी कंडीशन बनती है। तो गुरु को आप बेहतर रखिएगा, माँ से प्यार रहेगा। गुरु चूँकि जीवन साथी के भी कारक हैं, अच्छा जीवन साथी देंगे। जीवन साथी भी थोड़ा टफ होता है, मम्मी भी टफ, थोड़ा जीवन साथी भी, सब दोनों माताएं टफ होती हैं। आप स्त्री हैं तो उस तरह ले लीजिएगा, ससुर हो जाएंगे, पतिदेव हो जाएंगे। बस क्योंकि मैं बात करने में ऐसा लगता है सिर्फ पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, यह आत्मा से संबंधित बातें हैं। तो स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री, कन्वर्ट कर लीजिएगा। संतान, संतान आपकी तेज तर्रार होती है, नो डाउट। अच्छा, घर को ठीक करने के लिए उपाय, उपाय तो चाहिए ना, घर कैसे अच्छे से चले, गृह संबंधी कष्ट ना मिले। तो आपके बर्थ चार्ट पे जो मूल है ना, मूल सुख का मूल सदैव याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ राशि एक पार्ट है, 12 पार्ट और सपोर्ट करते हैं, 27 नक्षत्र सपोर्ट करते हैं, 9 ग्रह सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा लंबा लेखा जोखा होता है। आप चाहते हैं सुख आपको पूर्ण रूप से मिले, घर में समृद्धि और सुख बनी रहे, एक पौधा अशोक का लगा दीजिएगा। अशोक का पुष्पित पुलित होना आपके सुख समृद्धि को स्थायित्व प्रदान कर देगा। करके देखिएगा, करके देखिए, नहीं होगा तो बताइएगा, आप एक लगा के तो देखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। संतान आपकी तेज तर्रार होगी, लेकिन संतान थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगी, क्योंकि शनि है ना, शनि महाराज संतान को थोड़ा सेल्फिश बनाते बनाते हैं। तो लेकिन संतान मकर की है, मकर मतलब मगरमच्छ, संतान आपकी तेज है, जब तक आप उसकी उंगली नहीं करोगे वो अपने काम से काम रखेगी, और मगरमच्छ को उंगली करोगे तो फिर जल में पटक के तोड़ भी देता है। संतान आपकी सहयोगात्मक है, तब तक पाप प्रभाव जब तक यहाँ पे पंचम भाव पे नहीं पड़ेगा। पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में सूर्य मंगल नहीं है तो संतान आपकी श्रेष्ठ होगी, संतान तेज होगी। हाँ, संतान साथ में ना रहे या नॉर्मल रूप से देखा जाता है, लेकिन संतान उन्नति तो करती करती है। ऋण रोग परेशानी, शनि का क्या रत्न नीलम पहन सकते हैं? अच्छा, रत्न भी बताए बताते चले क्या, चलो पन्ना आप डेफिनेटली पहन सकते हैं यदि आपकी कन्या लगन है, तो राशि है तो मैं नहीं कहूँगा, मेष लगन कन्या राशि है, पन्ना पहनोगे दुर्घटना होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पे शनि का रत्न आपको मैं पहनने की सलाह नहीं दूंगा, आप जो है नीले पहन सकते हैं, काका नीले पहन लीजिए, नीलम मत पहनिए। पुखराज गुरु की कंडीशन, गुरु की महादशा को देख के, जैसे गुरु स्वाति में है, आर्द्रा में है, सत्विशा में है, मत पहनिए। गुरु महाराज आपके कुंडली में मृगशिरा में है, मत पहनिए। गुरु महाराज धनिष्ठा में है, मत पहनिए। गुरु महाराज मघा में है, सोच मत के पहनिए। मूला में है, सोच मत के पहनिए। अश्विनी में है, सोच मत के पहनिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और पीला पुखराज कभी मत पहनना, सफ़ेद पुखराज पहन के रखना। सफ़ेद पुखराज गुरु का भी काम करेगा और शुक्र का भी काम करेगा, धन संपदा आपको बेहतर करेगा। ऋण रोग परेशानी, शनि ज़्यादातर आपकी कुंडली में जो शत्रुता आपसे करेगा ना उसको निपटा देते हैं, वैसे भी आपका लड़ने का नेचर नहीं है। मैं आप मानता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि अपनी रेखा को इतनी लंबी कर दीजिए कि शत्रु नतमस्तक हो जाए, शत्रु छोटा हो जाए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं लड़ते नहीं, अपनी रेखा ही अलग कर लेते हैं, ट्रैक ही अलग कर लेते हैं, लंबा सा ट्रैक खींच दे, जाओ कर लो शत्रुता, फिर भी यहाँ शनि शत्रुओं को धीरे से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। शनि अगर अच्छे हुए तो शत्रु आपके सामने ही नतमस्तक हो जाएंगे। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। हाँ, वर्तमान समय में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, वर्तमान में नहीं पहले भी। आपके माता पिता सबसे अच्छे होते हैं, सबको माता पिता अच्छे लगते हैं, संतान भी आपकी बहुत प्यारी होती है, लेकिन जीवन साथी से आप वो 100 में से 80 लोगों को पकड़ो, ईमानदारी से 100 लोगों से पूछो, 80 लोग जीवन साथी से खुश नहीं है, 80 लोग, 10% लोग वो सच बताएंगे नहीं, 10% लोग खुश भी हैं। वो ऐसा होता क्यों है, देखो जीवन साथी का जो रिश्ता है वो हम चुनते हैं, ठीक है, पसीना थोक भाव में आ रहा है। तो जीवन साथी का रिश्ता हम चुनते हैं, और बकाया रिश्ता परमात्मा के द्वारा, से माता पिता परमात्मा के द्वारा, बच्चे भाई हम दोनों का, हम दोनों की क्रिया से आ रहे हैं, चुनते नहीं हैं, हम दोनों की क्रिया से आ रहे हैं।
जीवन जो रिश्ता आप चुन सकते हैं ना, उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं, बेहतर पाने की संभावनाएं और बेहतर कर ले जाने की संभावनाएं होती हैं, इसीलिए इस पर थोड़ा सा खटास रहती है, बट आपका जीवन साथी धार्मिक होगा। गुणों की बात करें तो गुण में आपसे कमजोर नहीं है, उसके जो गुण हैं वो आपसे मजबूत ही मिलेंगे, ठीक है। वो धार्मिक होगा, अनुष्ठान करने वाला होगा, पारंपरिक होगा, परिवार से भी अच्छे परिवार से आएगा, जब तक पाप प्रभाव ना हो। जैसे गुरु अगर छठ में बैठ गए तब गड़बड़ हो जाएगा, गुरु अष्टम में बैठ गए गड़बड़ हो जाएगा, गुरु द्वादश में बैठ गए गड़बड़ हो जाएगा, गुरु अपने से अष्टम द्वितीय भाव में स्वाति में चले गए गड़बड़ हो जाएगा, गुरु चतुर्थ भाव में है लेकिन मूला में है गड़बड़ हो जाएगा, गुरु तृतीय भाव में बैठे हैं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। गुरु को ठीक करने के लिए सफ़ेद पुखराज धारण करिएगा, येलो कलर का कपड़ा पहन के रखिएगा, ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः जाप करते रहिएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा, भूमि भवन वाहन का सुख डेफिनेटली आपको मिलेगा, व्यापार में आपकी गति होगी, व्यापार अच्छा आप करेंगे। आयु से संबंधी कन्या लग्न वालों की आयु अच्छी होती है, ग्रह गोचर अच्छा हुआ 80 के ऊपर जाओगे, 80 साल के ऊपर निकलेंगे आप, 80 से नीचे जाने की संभावनाएं नहीं होती। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे कन्या राशि वाले 80 ही जाएंगे, लेकिन लगभग 80 के आसपास, 80-82 मान के चलिए। मंगल महाराज जब तक पाप प्रभाव में नहीं है, मंगल मान लीजिए नीच के हो गए, मंगल द्वादश में चले गए, तो आयु खर्चा हो जाएगी, आयु पर्याप्त होती है। भाग्य की क्या स्थिति होती है, तो शुक्रदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं। अगर नवम भाव में स्वग्रही बैठे हैं, भाग्य बुलंद कर्मा में बैठे हैं लेकिन आर्द्रा में नहीं है, भाग्य बुलंद लाभ में बैठे हैं अश्लेषा में नहीं है, भाग्य बुलंद द्वादश में बैठेंगे तो भी आपको लग्जरियस लाइफ देंगे, लगन में बैठे हैं हस्त में नहीं होने चाहिए, बकाया बहुत अच्छा फल देंगे, सेकंड हाउस में बैठे हैं स्वाति में होने के बावजूद अच्छा फल देंगे, थर्ड हाउस में बैठे हैं मेहनत से आपका भाग्योदय हो जाएगा, फोर्थ हाउस में बैठे हैं जन्मजात भाग्यशाली हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं संतान के आने के बाद भाग्य बढ़ेगी, फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस में आपकी जो मेहनत है आपका जो पराक्रम है वही आपको सफलता प्रदान करेगा। छठवें का जो शुक्र होता है ना, सुतुरंता योग बनाता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। दरअसल यह भगवान कृष्ण की कुंडली को देख के शास्त्रकारों ने लिखा, क्योंकि भगवान कृष्ण की कुंडली वृषभ लग्न की है और छठवें में शुक्र बैठे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्त, शुक्र शत्रुंता कैसे बनाएगा, शुक्र शत्रुंता योग कैसे बनाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो कलाएं हैं ना, वो कलाएं इतना ज़्यादा ग्रोथ कर जाएं, आप अपनी कलाओं में इतने प्रवीण हो जाओ कि शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाए, इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। मतलब हम काम इतने अच्छे तरीके से करेंगे ना कि लोग साइलेंट जोन में चले जाएंगे, आगे हमारे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, भैया आप ही करो। भगवान कृष्ण क्या थे, अग्रपूज क्यों थे, भाई उनके अंदर सारी विधाएं थी, सारी कलाएं थी, इसलिए अग्रपूज थे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान वो दो मिनट में न करते हों, बुद्धिमान पर्याप्त मात्रा में थे, इसलिए अग्रपूज बनाए गए। तो आप भी अपने कलाओं का विकास करें तो आप भी शत्रुहंता योग में जाएंगे, नहीं शत्रुहंता नहीं बनेगा। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आएगा, जब सप्तम भाव में आएंगे तो जीवन साथी के आने के बाद अचानक उन्नति प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग होते हैं उनके जीवन साथी आते ही जीवन में बहुत उन्नति करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो शुक्र को सदैव मजबूत रखिएगा, शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें, साफ सुथरा कपड़ा पहनो, सफ़ेद कपड़ा पहनो। एक ओपल आप धारण कर सकते हैं, या पैसे आपके पास ज़्यादा हैं तो आप डायमंड पहन सकते हैं। जीवन साथी से मधुर व्यवहार करिएगा, आप ओपल पहनो ना पहनो, डायमंड पहनो या ना पहनो, पहनने के बाद अगर मधुर व्यवहार नहीं है तो आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हो जाएंगे, याद रखिएगा। सुख चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो जीवन में सुख मिले तो माता को प्रणाम करके चलेगा, मम्मी कितना प्यार करते हैं भूल जाइए, मम्मी कितना स्नेह करते हैं कब कब डांटा भूल जाइए, माँ को प्रणाम करके चलना, परिणाम आपके फेवर में रहेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, करके तो देखिए। जीवन साथी को प्यार से बोला करिए, फ्राइडे फ्राइडे गुलाब या कोई स्वीट गिफ्ट दिया करो, स्वीट खिलाया करो, चीज़ें बेहतर होंगी। ज़्यादा मत खिलाना कि शुगर करा दो, बाद में मेरे ऊपर बोलो गुरु जी आपको जैसे शुगर हो गया। तो यहाँ पे शुक्र को अच्छा रखिएगा, शुक्र आपको बेहतर फल देंगे, सप्तम भाव में बेहतरीन जीवन साथी, सुंदर बोलते हैं ना चंद्र चांद तेरा चेहरा वही वाला, तो सुंदर जीवन साथी आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे भटकाव ही बहुत देते हैं, मन भटकता रहता है, छठवें में बारहवें में लगन में सप्तम में यहाँ पे शुक्र भटकाव देगा देगा। अष्टम में गुप्त तरीके से लाभ, थोड़ा ससुराल में राधे राधे जाने दीजिए। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए, शुक्रदेव को आप बेहतर करें उसके लिए क्या उपाय करें, द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः,
गाय को गुड़ रोटी खिलाते रहिए, जीवन साथी का ख्याल रखिए, साफ सुथरे ढंग से कपड़े पहनिए, बेडशीट बीच बीच में चेंज करते रहिए। कपड़े पुराने हैं तो क्या हुआ, इस्त्री करके पहना करिए। फ्राइडे के दिन थोड़ा स्प्रे स्प्रे सेंट ऑन मार के मेंटेन रहा करो। शुक्र आपके अच्छे, शुक्र अच्छे तो सब कुछ अच्छे राधे राधे होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब शुक्र महाराज को बेहतर करने के लिए और आप उपाय क्या कर सकते हैं, तो हम भरणी को नहीं पकड़ेंगे, भरणी आपको गुप्त तरीके से लाभ देगा। पूर्व फाल्गुनी, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कर्म क्या करेंगे, बुध महाराज आपके कर्मा के स्वामी हैं, बुध महाराज कर्मा के स्वामी हैं, अतः कर्म आपका बुद्धिमान वाला होगा, बुद्धि वाला होगा। बुद्धि का मतलब या तो आप अच्छे टीचर हैं, या तो आप अच्छे अकाउंटेंट हैं, बैंक में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ काम करते हुए, बैंक में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसे का लेन देन बहुत अच्छा आप करते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करना, एक बहुत अच्छा मीडिएटर आप हैं, जिसको दलाल बोलते हैं, बहुत अच्छे दलाली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दलाली करने के लिए बुद्धि का प्रयोग चाहिए। आप अच्छे एस्ट्रोलाइजर हो सकते हैं, अच्छे वास्तु, अच्छे खासकर इनमें जो न्यूमरोलॉजी का काम होता है ना, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडर, बहुत अच्छे मैंने देखे हैं कन्या लग्न कन्या राशि के जातकों को, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये सारे बुद्धि के द्वारा जो काम किए जा सकते हैं वो काम करिए। अब आपका दशमेश कहाँ बैठा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि दरअसल आपको कौन से कर्म करना चाहिए। मान लीजिए स्वाति में बैठना है, चीज़ों को काट करके फिट करके कोई होटल का काम करो, रेस्टोरेंट लगाओ जहाँ चीज़ों को काट कर व्यवस्थित करके बेचिए, धुआंधार चलेगा, ठीक। आपके गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, पढ़ने लिखने का काम करो, जो पूजा पाठ के व्यापार है उनका काम करो, अगरबत्ती धूप बत्ती हवन सामग्री बेचिए, धार्मिक किताबें बेचिए, अनुष्ठान करवाइए, बहुत पैसा कमाएंगे। शुक्र के नक्षत्र में हैं, बैंक में काम करिए। तो डिपेंड ये करेगा कि आपके बुध किस नक्षत्र में बैठे हैं, ज्योतिष थोड़ा टेक्निकल तो है। तो कर्म को ठीक करने के लिए आपके पिता सरल हैं, पिता आपके बुद्धिमान हैं, पिता का कभी भी अपमान मत करिएगा, ठीक है। पिताजी का अगर आप सपोर्ट लेकर चलेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में गति होगी, अगर पिताजी का सपोर्ट नहीं लेंगे तो काम आप कुछ भी करिए मज़ा नहीं पाओगे, ठीक है। इसको बेहतर करने के लिए जब भी पिताजी से मिलन हो उनको प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। लाभ, चंद्रदेव की उपस्थिति लाभ को दर्शाती है, तो चूंकि हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रदेव आपके लगन में है, इसलिए लाइन वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े होंगे, ये मान के चलिए। अब आपके बुधदेव उत्तर फाल्गुनी में हस्त में है, चित्रा में है, तीन अलग कंडीशन बनेगी, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ का स्वामी लगन में, मतलब जहाँ मैं हूँ वहाँ से लाभ, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होगा जहाँ खड़े होगे वहाँ से लाभ, तो हर तरह से तत्त्व सर्वत्र लाभ मिलेगा, इसलिए चंद्रदेव को ठीक करके रखिएगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता तुल लोगों को प्रणाम करके चलिए, भगवान शिव को सदैव एक लोटा जल अर्पित करके चलिएगा। पूर्णिमा के दिन चांद के रोशनी में थोड़ा खीर रख के या पानी रख के उसका सेवन करिएगा, जीवन पर्यंत लाभ बना रहेगा। करके देख लीजिए, मोती पहने क्या, हाँ पहन सकते हैं, डिपेंड करेगा महादशा अंतरदशा पे, ठीक है ना, किसकी चल रही है। अंत में खर्च कहाँ करोगे, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसे तो हम कमा लेते हैं लेकिन हम खर्च उसको अगर नियंत्रित नहीं कर पाते तो कमाए हुए पैसों का बहुत मतलब नहीं रहता, खर्च हो जाते हैं। सूर्य नारायण आपके खर्च के प्रतीक हैं, तो जहाँ पर आपको आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार खर्च करेंगे। थोड़े खर्चवाज हैं आप, थोड़े से देखो रोमांटिक हैं, थोड़ा सा फेंकने वाले भी हैं, फेंक देते हैं, दिल फेंक भी हैं, तो पैसे उसी तरह से आप खर्च भी करते हैं। सूर्य नारायण की उपस्थिति बताएगी कि पैसे आप कहाँ खर्च करोगे, आवश्यक जगह या अनावश्यक जगह, पैसे का आप मिसयूज़ करोगे या यूज़ करोगे, मितव्ययी होगे या अतव्ययी होगे, आप अपव्ययी होंगे, अतव्ययी नहीं अपव्ययी होंगे। तो सूर्य नारायण को दान करना है आपके बर्थ चार्ट पे। अब हम आ रहे हैं समरी पे, समझ में आ रहा है, आना चाहिए इतना डिटेल में, तो लोग अपने क्लास में भी नहीं बताते। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज्योतिष का काम करें और कन्या राशि कन्या लग्न के लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, समझ में जल्दी आता है। समरी क्या है, बुध को शुक्र को ठीक करके रखिएगा, इनका रत्न पहन लीजिए, गुरु को कंडीशन वाइज देखिए उसका रत्न पहनिएगा। मंगल का सूर्य का रत्न नहीं पहनना है, शनि का रत्न नहीं पहनना है, शनि अगर बहुत
बहुत स्ट्रांग है तब आप पहन सकते हैं, अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो शनि का रत्न भी पहनने के लिए मैं आपको मना कर दूंगा, ठीक है, मत पहनिए। तो शुक्र को उपाय के लिए जीवन साथी से बेहतर संबंध बना के रखें। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति के लिए माता के चरणों को प्रणाम करके चलिए। अपने आचरण को ठीक रखिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ के लिए पन्ना पहन के रखिए। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए सफ़ेद पुखराज पहनिए। कलर थेरेपी में ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर के, येलो कलर के कपड़े आपके अच्छे हैं। ग्रीन व्हाइट सबसे अच्छे हैं, येलो भी पहन सकते हैं। रेड कलर के कपड़े आपके लिए ठीक नहीं है। ब्लैक कलर के कपड़े नाभि से ऊपर नहीं पहनने हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी कन्या लगन है, तीन रत्न मैं बताता हूँ, पन्ना पहनिए, पुखराज सफ़ेद पहनिए, ओपल पहनिए। चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, करके देखिए। क्योंकि आपकी जो जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, वो आपकी बुद्धि है, इसलिए सदैव बुद्धि के द्वारा ही काम करिएगा। आदिशक्ति की बात, इष्ट की बात करें तो आपकी इष्ट भगवान शिव हैं, आदिशक्ति जगदम्बा हैं, भगवान कृष्ण भी बहुत खींचते हैं आपको। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना अवश्य करिएगा। उनको करने से जीवन में तत्त्व सर्वत जो परेशानियाँ हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, सब राधे राधे हो जाएगा। आपके लाइफ में ना चाहें लेकिन एक्सीडेंट होता है। अब कौन सा पार्ट टूटेगा ये मंगल बताएगा। मंगल अगर लगन में बैठा है सर फूटेगा, मंगल सेकंड हाउस में बैठा है दांत जल्दी खराब हो जाएंगे, थर्ड हाउस में बैठा है हाथ टूटेगा, और आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं हार्ट अटैक भी दे सकते हैं, पंचम में बैठे हैं पेट में ऑपरेशन, छठ में बैठे हैं शत्रुओं को नाश कर देंगे, मार देंगे, जाओ यार काम खत्म तुम्हारा। सप्तम में बैठे हैं जीवन साथी के साथ दुर्घटना होगा, कुछ गुप्त परेशानियां, गुप्त रोग आ सकते हैं। अष्टम में मंगल बहुत अच्छे हैं, आयु की वृद्धि करेंगे। नवम में बैठे हैं थोड़ा बैक पेन। दसम में है पिताजी से थोड़े से संबंध मधुर नहीं रहते। एकादश में बैठे हैं और दसम में बैठा हुआ पैर में चोट दे देगा। एकादश में बैठे हैं बाएं हाथ को तोड़ देंगे। द्वादश में बैठे हैं पैर पंजों पर कट मारेंगे। इसलिए आपके कुंडली में एक्सीडेंट बनते बनते हैं। कन्या लगन 6 नंबर की लगन है, 6 नंबर काल पुरुष की कुंडली में एक्सीडेंटल है, इसलिए सावधानी के साथ गाड़ी चलाया करिए। हेलमेट वेलमेट पहन कर चलिए करिएगा। लाल कलर की गाड़ी आपके लिए नहीं बनी हुई है, तो लाल कलर की गाड़ी से परहेज करिएगा। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करते रहेंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी। जब भी मौका मिले पंछियों को दाना डाल दीजिएगा। दान क्या करें, मंगल का दान, सूर्य का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। मंगल का दान करिए, सूर्य नारायण का दान करिए, श्रेष्ठ होगा। गुरु का दान, शुक्र का दान, बुध का दान, चंद्र का दान मैं मना करूँगा। शनि आपके पंचमेश हैं, इसलिए शनि का दान भी मैं व्यक्तिगत रूप से मना करूँगा। आप देखिए महादशा अंतरदशा के अनुसार दान कर सकते हैं। सदैव याद रखना किसका दान करना है और किसकी एनर्जी को ग्रहण करना है, ये पता होना चाहिए। बहुत से मैं अच्छे लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं हम शुक्रवार का व्रत हैं। क्यों व्रत हैं पता नहीं, पंडित जी ने कहा क्यों कहा है ये तो पता नहीं, पूछा ही नहीं। क्रास क्वेश्चन क्या करिए, जब भी आप किसी से बात करिए, अगर आप मेरे से बात करते हैं पूरा क्वेश्चन खाका तैयार करके रखिए, ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे। अगर मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा तो कौन देगा भाई। अगर कोई ज्योतिषी बोलता है कि नहीं सिर्फ 3 प्रश्न पूछना है तो उनको प्रणाम करो, नहीं, आप जो अपना सेशन ले रहे हैं 15-20 मिनट का, उस 20 मिनट में क्वेश्चन तैयार करके रखिए फटाफट। 1 मिनट खत्म हुआ, 1 क्वेश्चन आया, आपका ज्योतिषी आपको जवाब देगा। तो आप बुध को मजबूत करके रखें, शुक्र को मजबूत करके रखें, गुरु को मजबूत करके रखें। जीवन में सर्वत्र आनंद लेने के लिए आप पैदा हुए, आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए राधे राधे।